फ्रेंड, वेलकम टू कवि प्रियंकाज डायरी। सो टुडे हम लोग बनाने वाले हैं दम बिरयानी। सो ये 1 kg इंडिया गेट बासमती राइस है। हमने इसे 1 घंटा लगभग पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, 80% हाफ बॉईल कर लेंगे इस राइस को। सो हमने 1 kg चिकन लिया है। सो अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। 2 बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े स्पून जीरा पाउडर, 3 बड़े स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 600 ग्राम दही, 1 लेमन, 2 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके 1 आवर के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। सो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे। 1 kg ऑनियन को मैंने लॉन्ग स्लाइस काट लिया है। सो ऑनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राउन एंड क्रिस्पी हो गया है। तो इसमें से मैं हाफ निकाल लूँगी अलग से एक बर्तन में। सो अब इसमें हम सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे और 4 ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 5 सेकंड के लिए इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तीन छोटे कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। सो अब इसमें हम चिकन ऐड करने जा रहे हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। अभी अच्छी तरह से कुक हो गया है। सो इसमें अब मैं कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। सो जो हमारा चिकन है वो कुक हो गया है। सो इसे अब हम अलग से एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। सो जो हमारा सेम पतीली है उसमें मैंने 1 स्पून बटर डाला है और उससे उसे अच्छी तरह फिनिशिंग कर लिया है। सो फर्स्ट लेयर मैंने राइस डाला है। अब हम चिकन इसमें ऐड कर रहे हैं सेकेंड लेयर में। चिकन के ऊपर हम फिर से एक राइस का लेयर डालेंगे। अब टमाटर राउंड स्लाइस इसमें डालेंगे। फ्राइड ऑनियन ऐड करेंगे। अगेन इस पे चिकन का लेयर डाल रहे हैं। राइस का लेयर, थोड़ा
थोड़ा सा ग्रेवी बच गया था जिसे मैंने ऊपर से डाल दिया है। 2 स्पून केवड़ा वाटर, फूड कलर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम धनिया ऐड करेंगे। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ और इसके ऊपर कुछ भी हैवी सा आप रख सकते हो। 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ इसे ट्राई करिए एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।